आज हम आ चुके हैं आइकिया में। फर्स्ट टाइम मेरा ये विज़िट है यहाँ पे। तो आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं आइकिया आई हूँ। अपनी लाइफ में बहुत सुना है, बहुत देखा है, तो सोचा आज रियल एक्सपीरियंस किया जाए। थोड़ी हटकी चीज़ है, हटकी जगह है। तो शॉपिंग स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ खाना है, बिकॉज़ काफ़ी बड़ा है आइकिया, तो घूमते घूमते बहुत एनर्जी जाएगी। तो पहले कुछ खाते हैं, देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। तो हमने हमारी ट्रॉली ले ली है। चलो, तो हमने ये रैप लिया है और सैलेड लिया है। तो हमने एक लिया चॉकलेट केक और अभी आया है हमारे चीज़ केक का टर्न। तो हम एक अच्छा वाला चीज़ केक यहाँ से उठाएंगे। चिकन टिक्का, चिकन मीट बॉल, राइट? एंड वन वेज मीट बॉल। तो हमने चिकन टिक्का मीट बॉल, चिकन मीट बॉल, सॉरी चिकन टिक्का मसाला, चिकन मीट बॉल, ये चिकन टिक्का के साथ राइस है। ये मैंने लिया है वैलेंसिया ऑरेंज जूस। दिस वन इज़ आई थिंक वन वेज मीट बॉल है, वन चिकन मीट बॉल है। चीज़ केक, राइस मैंने एक्स्ट्रा लिया, ये सब शादू लादे से ज़्यादा ख़त्म करेगा आज, एक भी छोड़ के नहीं जाएगा वो। ये भी उसकी पसंद का है, वेज रैप। So this is all we're gonna have today. और इतना सारा खाना मिला है हमें, कितना भी लाया है 1000 में। चिकन टिक्का मसाला विथ राइस, चिकन मीट बॉल्स विथ मैश पोटैटो एंड सैलड, चिकन मीट बॉल अनदर प्लेट, चॉकलेट और इधर चीज़ केक और वो एक सैलड। सो यहाँ पे हम घूम रहे हैं अभी आइकिया में और हम हैं पूरे बेडिंग और होम फर्निश सेक्शन में। ये भी बहुत सही लग रहा है, ये देखिए पूरा आपको होल किचन मिल जाएगा आइकिया में। अपने वाली टूल्स भी दी। हाँ मस्त है ना बेबी, इट्स सो एक्सपेंसिव, टू रहने दो। Thank you.
आज मेरा आईकिया का शॉपिंग ख़त्म हो गया। मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी, फर्स्ट टाइम में बहुत ज़्यादा चलना और बहुत सारी चीज़ें लेना हो गया, लेकिन काफ़ी एक्साइटिंग रहा। रश भी बहुत ज़्यादा था क्योंकि 15 अगस्त था और मैंने पूरा ये ट्रॉली भर के लिया है। तो गाइस, बहुत दिन से चल रहा था कि मैं आईकिया गई थी, आईकिया से मैंने शॉपिंग किया था और मैं तब से इतनी बिजी थी, जैसे कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि मैं क्यों बिजी थी वो पता चला, राइट। तो आज मैंने सोचा कि मैं थोड़ा आईकिया का जो मैं लेकर आई, इतना शॉप करी मैं वहाँ से, तो ये जो सामने इतना सारा सामान देख रहे हो आप, इतना सारा भी नहीं है, थोड़ा ही है, ये सब कुछ मैंने लिया है आईकिया से और सब मुझे बहुत पसंद आया। बहुत टाइम गया, मैं 1 बजे गई थी और मैं वहाँ से बाहर निकली हूँ 5 बजे और वहाँ पे चलने में ही ज़्यादा टाइम मिलने लग गया। फिर उसके बाद बिलिंग में उतना टाइम नहीं लगा था, चलने में क्योंकि बहुत बड़ा है तो उसमें ज़्यादा टाइम चला गया था और बहुत सारी चीज़ें थी, तो मुझे उसमें से जो मेरे ज़रूरत की चीज़ें वो लेनी थी तो मैंने लिया है। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ। पहले मैं स्टार्ट करती हूँ इस पैन से, मुझे बहुत पसंद आया और मेरा हमेशा से एक ख्वाहिश था कि मैं कुछ इस टाइप का पैन लूँ। तो बहुत हैवी भी है ये, कुछ ऐसा है, ये स्टील का है, ये है पैन। कसम से इतना ज़बरदस्त लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है सामने से टांगू तो ऐसे किचन में। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम का ऐसा इसको क्या बोलते हैं वो मुझे पता नहीं, पर ऐसा कॉपर वाला मैंने, कॉपर शेड का मैंने पैन लिया है और ये ऐसी वैसी नहीं है, ये बहुत हैवी है और एक इसमें डुप्लीकेट भी बहुत मिलता है जो आपने देखा होगा स्टील के पतीले में रहते, ये उस टाइप का नहीं है। तो ये एक चीज़ ली मैंने। सेकंड मैंने लिया है ये डोरमेट, ये मैंने क्यूटी सा कैंडल लिया है, ये मुझे काफ़ी मतलब बहुत दिल कर रहा था, मैंने इसका स्मेल लिया, फ्रेगरेंस काफ़ी अच्छा था इसलिए मैंने ये एक कैंडल ले लिया, बहुत छोटा है, क्यूट है ये। फिर अभी आते हैं लिनन पे, लिनन पे मैंने ये बेडिंग का आइटम लिया है, ये मैंने बेड का जो मैट्रेस का कवर रहता है ये लिया, मुझे इसकी सख्त ज़रूरत थी क्योंकि मैं बेड पे बहुत खाती हूँ, पानी वगैरह गिर जाता है, तो एटलीस्ट मेरा मैट्रेस ख़राब नहीं होगा इसकी वजह से, इसलिए मैंने ये एक बेड का मैट्रेस कवर लिया। ये एक बेडशीट लिया है, ये आज ओपन करके ये ऐसा कुछ प्रिंट है, मैं बिछाने वाली हूँ तो दिख जाएगा, ये लिया। बहुत ज़रूरी चीज़, लिंट रिमूवर। अभी मेरे घर पे कैट है तो टी शर्ट में इतने बाल लग जाते हैं, इसे मैंने अमेजोन पे भी देखा था तो मैं ऑर्डर देने वाली थी, बट जब मैं आईकिया गई वहाँ मुझे मिल गया तो मैंने ये 2-3 ले लिया है और बहुत ही यूज़फुल है। तो अगर किसी के भी घर में पेट है तो वो ये ले, ज़रूर ले, मैं तो प्रेफर करूँगी। देन मैंने ये नाइफ लिया है विथ पिलर, ये मैं नहीं लेना चाह रही थी, ये पता नहीं क्यों आयान ने उठा लिया क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी घर पर है। इसके बाद मैंने, हाँ, आयान ने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ली, उसने ये फाइलर लिया है, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और मैं उसके इस चॉइस से पसंद आई कि चलो मेरा नाइफ जो धार नहीं रहता है, कम हो जाता है वो, उसमें यहाँ पे डाल के हम नाइफ को धार कर सकते हैं। ये नाइफ मैंने लिया है, तो ये इस बहुत सारे थे पर मैंने मेरे किचन और मेरे काम के हिसाब से मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं लिया, छोटा ही वाला लिया है। मैंने ये पैन लिया है, बेकरी का पैन है, लाइक ओवन में यूज़ कर सकते हैं, इस पर चिकन वगैरह ग्रिल करने के लिए या कुछ पॉट चिकन बनाना है तो उसके लिए अच्छे से इस्तेमाल हो सकता है ये। ये लिया है मैंने, ये मैंने टेबल मैट लिया है, ये एक मिनट कैसे दिखाती हूँ मैं, ये कुछ ऐसा है, ये मैंने टेबल खाना खाने के लिए टेबल मैट लिया, ये मेरा फेवरेट है सबसे ज़्यादा। ये इसमें 4 टॉवल है, मैं ओपन करके दिखाती हूँ, मतलब आईकिया मैंने कुछ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी, मुझे तो बहुत पसंद आया। ये ऐसे किचन टॉवल है, तो इसको लाइक मैं यूज़ करने वाली हूँ ओवन के टाइम के लिए। देन ये हो गया एक, ये हो गया दो, ओके ये हो गया
3 और ये हो गया 4। तो ऐसे 4 टॉवल है, रोटी वगैरह सेक के रखने के लिए काफ़ी अच्छा, मतलब बहुत प्यारा लगा मुझे ये मटेरियल बहुत प्यारा है, इसलिए लिया मैंने ये। फिर मैंने ये पॉट लिया विथ फ्लावर, क्यूट सा छोटा सा। अनदर पॉट जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकती हूँ, कभी फ्लावर रख सकती हूँ, कभी डाइनिंग टेबल के ऊपर इस पर मैं स्पून भी डाल के रख सकती हूँ, तो ये एक पसंद आया मुझे इसलिए मैंने ये भी ले लिया। अगेन ओवन का आइटम है ये, इस पर मैं केक, एनीथिंग आई कैन मेक इट इन दिस लवली, जो भी कांच का है ये ओवन में यूज़ कर सकती हूँ। तो मुझे ये एक लेना था, तो आइकिया में इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शन है, तो मैंने ऐसा लिया है कि ये हैंडल वाला है तो ईजिली पकड़ के रख सकती हूँ, अगर हैंडल नहीं रहता तो थोड़ा डिफिकल्ट होता। और ये देन फ्लास्क है ये, इस पर जैसे मिल्क या पानी वगैरह रखने के लिए मैंने ले लिया, मुझे ये काफ़ी टाइम से चाहिए था और ये काफ़ी मजबूत है इसलिए मैंने लिया, ईजिली ये काम हो सकते थे, मतलब अगर मैंने इसमें मिल्क वगैरह रखा और एयर बन गया तो उसको ऐसे दबाने से ये चला जाएगा, काफ़ी अच्छा है। आर्टिफिशियल पॉट, जैसे कि मेरे पास फूलों के पौधे नहीं हैं, मैं उनका केयर नहीं कर पाती अच्छे से, तो के कॉर्नर के लिए लिया है, टेबल के लिए लिया है। इसके बाद मैंने ये लिया है, ये ग्लास है, टम्बलर है, ये मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा कलर है इसका, ब्लू कलर का है, बहुत ही प्यारा, सिर्फ कलर की वजह से, मतलब इस कलर में मेरा दिल आ गया था इसलिए मैंने ये ग्लास ले लिया। अभी जो इस पूरे शॉपिंग का, आइकिया हॉल का जो सबसे प्यारा चीज़ है जो मुझे काफ़ी पसंद आया वो है ये खूबसूरत सा मग जार कह सकते हैं आप, ये देखिए आप लोगों को भी पसंद आएगा, इसका कलर देखिए कितना प्यारा है, तो ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है और मैं पहली नज़र का प्यार जो बोलते हैं ना ये वो था, मैंने देखा और मैंने ले लिया, काफ़ी खूबसूरत है ये। अभी दिखाने वाली हूँ ये है एक पिलो 15x15 20x20। ओके, तो ये मैंने एक बहुत बड़ा वाला पिलो लिया है, पिलो का कवर है ये कुशन का और ये उसका कुशन है, तो चलिए ये ओपन करके देखते हैं कैसा है। इसलिए फट गया यार ये, तो मेरे को लगा था मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इनके पैकिंग भी बहुत ज़बरदस्त है और मुझे आईकिया का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा, मैं इसमें कुछ जगहों पे वो क्लिप भी ऐड कर दूंगा तो आप देख लीजिएगा, ये ऐसा है। अभी मैं इसको भी ओपन करती हूँ, इसके लिए मैंने ये कवर भी लिया है, क्यूट ना, प्यारा लग रहा है, तो ये लगा के देखते हैं कैसा लगेगा। ये देखिए बहुत प्यारा लग रहा है ना, सेकेंड ब्यूटीफुल पार्ट, सेकेंड ब्यूटीफुल थिंग, लैम्प लिया है मैंने वहाँ से। सो ये जो लैम्प है ये ऐसे निकलेगा के ये ऐसा है, ये इसके साथ बल्ब भी था तो ये हमने साथ में लिया है। अभी मैं इसको बल्ब लगाऊंगी, okay.
फिर ये अभी इस पे से चला जाएगा। अभी हम इसको लाइट अप करेंगे। तो ये लैंप लिया मैंने मेरे बेड के साइड टेबल के लिए, यहाँ से इजीली आप ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन। नाइस ना। तो जी ये मेरा रहा है आइकिया का फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस। तो आप लोगों को अगर आइकिया पसंद है, कभी ट्राई करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। मुझे तो काफ़ी पसंद आया पर्सनली। तो इसी के साथ ये ब्लॉग मैं एंड करती हूँ। अगर ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।